हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्वीन। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं आज बनाने जा रही हूँ फैब्रिक बटरफ्लाई। ये मैंने पहले भी बना चुकी हूँ, तो मैंने पहले भी इसे बनाया है, तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने इसमें पलटना नहीं बताया है, इसको पलटा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से आप लोगों को ये वीडियो बना के मैं बताऊं और इसमें पूरे तरीके से बताऊं कि कैसे इसको पलटा जाता है, स्टिच किया जाता है, पूरे तरीके से मैं आपको बताऊँगी और आपकी सारी कन्फ्यूज़न ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं फिर से फैब्रिक बटरफ्लाई। तो चलिए फिर बनाते हैं फैब्रिक बटरफ्लाई। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने कपड़ा लिया है, कॉटन कपड़ा है ये, तो इसका मैं बनाऊंगी बटरफ्लाई। तो आप एंड तक देखिए ये पूरा वीडियो और इस बार आपकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, तो बने रहिए मेरे साथ। ये इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, फोल्ड पे है। इस तरीके से इसकी लंबाई है 7.5 इंच की और इसकी चौड़ाई है 7 इंच की। इसी तरीके से मैं दोनों साइड पे मार्क कर लूँगी और फिर इसको कट कर लूँगी। तो अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने इसको कट कर ली हूँ और एक साइड हमारा फोल्ड पे ऑलरेडी है, तो मैं बाकी 3 साइड पे स्टिच करूँगी। किस तरीके से कहाँ पे स्टिच करना है वो भी मैं बताती हूँ। आप देखिए यहाँ से इस तरीके से एक लाइन स्टिच करके फिर यहाँ पे हाफ पे स्टिच ख़त्म कर देंगे और फिर दूसरे साइड से स्टिच करके यहाँ हाफ पे ख़त्म कर देंगे। जो आप गैप देख रहे हो उतने पे हमारी सिलाई नहीं आएगी, इस तरीके से इस पर स्टिच कर देंगे और एक टुकड़ा पीस लेंगे हम लोग। इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके एक साइड पे सिलाई दे देंगे यहाँ पे और यहाँ। अब मैंने स्टिचिंग कर ली है, जिस तरीके से आप देखिए मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया है और मैंने छोटे वाले पीस को भी स्टिच कर लिए और उसको भी एक साइड ओपन छोड़ के उसको भी पलट लूँगी वो साइड से। इसी तरीके से मैंने इसको पलट लिया है और अब मैं ये बटरफ्लाई का जो हमारा टुकड़ा है उसको भी पलट लूँगी। इस तरीके से पलटने के बाद जो हमारा ओपन है जहाँ से हमने पलटा है उसको उसको मैं स्टिच करके बंद कर दूँगी। और अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा टुकड़ा है उसका हाफ पे सेंटर पे यहाँ से हाथ की मदद से भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट मशीन भी लगा सकते हो। इस तरीके से स्टिच देके उसको खींच लेंगे और फिर वो साइड हम लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद जो हमने पीस बनाया था जिस तरीके से छोटे कपड़े का, उसको इस तरीके से रखने के बाद स्टिचिंग कर देंगे वहाँ पे और स्टिचिंग करके उसको बाकी कपड़े को कट करके अब उसको पलट लेंगे अंदर की साइड पे। और इसी तरीके से मैंने इसको पलट ली हूँ और इस तरीके से हमारा फैब्रिक बटरफ्लाई रेडी हो गया है। मेरे हिसाब से आप सबकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो और कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा।